पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है भाई। इंडिया में समझ से बालातर है, अवाम जो है वो पागल हो गया। मतलब कहा जा रहा है कि तारीख की ये सबसे बड़ी शादी है, तारीख लिख दी गई है। देश दुनिया की सबसे बड़ी शादी, अंबानी परिवार की शादी, अनंत राधिका की शादी। अंबानी परिवार के घर अनंत और राधिका की शादी में देश नहीं बल्कि दुनिया की नामचीन हस्तियां शिरकत कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी अंबानी के न्योते पर अनंत और राधिका की शादी में शामिल होंगे। सर बताइएगा कि अनंत अंबानी की शादी पे $1.3 बिलियन खर्चा आया, पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए क्या मशवरा देंगे? एक सिंगर के लिए 200 करोड़ देना मेरे ख्याल में किसी के और के पास की तो बात है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं, तो कई विदेशी राजनेता, व्यापारी, दिग्गज, मनोरंजन और खेल जगत की बड़ी हस्तियां शादी की साक्षी बनेंगी। अनंत राधिका की शादी का कार्ड भी सामने आया जिसे सोने चांदी से सजाया गया था और अब अनंत अंबानी की शादी कार्ड की कीमत भी सामने आ गई है। जिस हवाले से कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी का शादी का कार्ड 6 से 7 लाख भारतीय रुपए है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन $115 मिलियन जो है वो खर्चा हो रहा है। $115 मिलियन का मतलब ह्यूज। वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी। आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि उनकी जो गेस्ट लिस्ट है, तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है जी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में, जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की दो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ये भी अंबानी की शादी में आज इनवाइटेड हैं, आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ जिस पर्सनालिटी का, कि वो इंडिया पहुंच चुकी है और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्डेशियन। अब किम कार्डेशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी है दुनिया की जो कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। देखें आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो $1.7 बिलियन इनकी नेटवर्थ कही जाती है और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, अपना एक शो भी करती हैं। तो बहुत से लोग ये जानने के, वैसे तो जाहिर है कि अगर वो अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचेंगी तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि सब ये कहेंगे कि क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने पूरी दुनिया की पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है तो वो भी एक उनके गेस्ट में शामिल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इनके इंडिया पहुंचने के कुछ और रीजंस भी हैं, और वो ये हैं कि किम कार्डेशियन जो हैं वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची हैं क्योंकि वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं, अनंत अंबानी की शादी को। जैसे कि मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया कि जब किम पहुंची हैं, किम कार्डेशियन उनके साथ उनकी मेरा ख्याल है सिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया। लेकिन वो अपने जो हुलू रियलिटी शो है उसमें वो चलाएंगी ये शादी, तो इस शादी को वो डॉक्यूमेंट करने के लिए पहुंची हैं। अब देखिए आप ये देखें कि फिर ये इस वेडिंग के जो हम बात कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दुनिया की जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं वो इस वेडिंग को अपने लिए एक सेलिब्रिटी समझ रहे हैं और वो अपने प्रोग्राम के लिए इसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं।
वैसे तो मैं आपको ये बताऊं, अभी ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन किम कार्डशियन को भी बहुत ज्यादा पैसे मिले होंगे जो भी पर्सनालिटी आ रही हो, करोड़ों मतलब हजारों करोड़ का तो ये है, इवेंट है, यानी एक नहीं जितने भी अभी तक होते रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर और कौन आ रहा है? तो हमने तो ये किम की जो बात की वो तो ठीक है, अपनी जगह पर एक टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी है, उनकी अपनी वर्थ है, लेकिन जब हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं तो उसमें ये जो है जनाब, आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले ग्रुप्स हैं दुनिया के, जो कि यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंटर्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं इस शादी के अंदर, और सिर्फ यूएई और अरब वर्ल्ड के ही नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये मॉर्गन स्टैनले के भी एमडी इस वेडिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनले के एमडी भी अगर अंबानी के वेडिंग में आएंगे तो फिर बिजनेस किसका चलेगा? मैंने कहा 100 तो बिजनेस तो फिर जाहिर है। तो अच्छा, और भी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जनाब। ये जो है सैमसंग के ये चेयरमैन है, ये भी इनवाइटेड है इस गेस्ट लिस्ट जो है अंबानी की आज की, उसके अंदर है, ये पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे। फिर ये मुझे बहुत पसंद है, लाना डेल रे, ये बहुत जबरदस्त सिंगर है, इनकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग। अगर आपने द ग्रेट गैट्सबी देखी है तो ग्रेट गैट्सबी के काफी सारे जो हैं वो सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, और वैसे भी इनकी जो क्या ही बात है, पूरे शहर को, मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस तलाहन की बात नहीं की, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है इस शादी पे। कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहां दो चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो आप पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर। अंबानी फैमिली जो है इंडिया की, जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से एक 2 साल पहले अब उनके बेटे की शादी है, उसपे भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600 जो प्राइवेट जेट्स हैं वो आए थे, और खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 125 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों। में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी।